Hello everyone, this is our next lecture on distributed operating system. In previous lecture, we covered the data-centric consistency model. In this lecture, we are going to cover client-centric consistency model. Okay, so in client consistency model, there are four types of, processes. Monotonic read, monotonic write, read your write, and write your follow reads. Okay, in previous lecture, we covered the data-centric consistency model. Okay. In that video, we covered the strict consistency, casual consistency, okay? In this video, we are going to cover the monotonic read, monotonic writes, read your write, writes your follow reads, okay? So, what is client-centric consistency model? So, client-centric consistency model aim to providing a system-wide view on data store. Kya karta hai wo? It provide us a system-wide view on data store. Jo data store mein data pada hai, usko hum ek system-wide view se देख सकते हैं. द मॉडल कॉन्सेंट्रेट ऑन कंसिस्टेंसी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सिंगल मोबाइल क्लाइंट. ओके, एक क्लाइंट क्या है, एक सिंगल चीज है ना. तो ये जो मॉडल है वो बेसिकली किसकी कंसिस्टेंसी हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक सिंगल मोबाइल क्लाइंट की. सो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल आर जनरली यूज फॉर एप्लीकेशन दैट लैक साइमल्टेनियस अपडेट वर मोस्ट ऑपरेशन वर. So, client-centric consistency model are generally used for application that lack simultaneous update where most operation involving reading data. So, client-centric consistency model जो है generally कहाँ use होते हैं, उन application के ऊपर that lack simultaneous update, जिसमें आप simultaneously update नहीं कर सकते, और जो mostly जो updates होते हैं, जो operation होते हैं, वो read data को read करने के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. सो आपको नेम देख के ही पता चल रहा हो, इवेंचुअल मतलब इवेंचुअली जब कोई चीज होती है, दैट इज इवेंचुअली कंसिस्टेंसी. ओके, विल गो टू डेफिनेशन लेटर, पहले हम लोग समझ लेते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है. ओके, सो हमने क्या सोचा, हमने क्या किया, नेटवर्क में तीन प्रोसेसेस हैं. ओके, यू कैन से तीन कॉपी ऑफ डेटा है, ठीक है. उसमें क्या है, जो फर्स्ट कॉपी है उसका वैल्यू इज 10 एंड द अदर नहीं, तीनों का वैल्यू पहले 11 है. ओके, सो एन वन ने अपना जो वैल्यू है उसको 10 सेट कर दिया, उसको 10 अपडेट कर दिया. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ एन टू एंड एन थ्री इज 11. ओके, सो 10 वाला जो एन वन है वो बार बार नेटवर्क में चेक करता रहेगा कि जो दूसरी कॉपीज हैं उनकी वैल्यूज क्या है. तो उनका वैल्यू क्या है, दैट इज 11. ओके, सो इट विल चेक अगेन एंड अगेन. सो क्या होगा, ग्रेजुअली एंड में जो हमारी दूसरी नोड्स है वो भी इवेंचुअली अपना जो वैल्यू है उसको 10 चेंज कर लेंगी, दैट इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. So in this definition you can see that in system that tolerate high degree of inconsistency, if no update take place for a long time, all replicas will gradually and eventually become consistent. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई अपडेट टेक प्लेस नहीं हो रहा बहुत लॉन्ग टाइम से, और एक रेप्लिका में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो जो दूसरी रेप्लिकास हैं वो इवेंचुअली और ग्रेजुअली ही कंसिस्टेंट हो जाएंगी. मतलब इफ द वैल्यू ऑफ एन वन इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ एन टू एन थ्री इज 11, देन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द रेप्लिका विल ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली बिकम कंसिस्टेंट. तो वो भी अपनी वैल्यू को 10 सेट कर लेंगे. दिस फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. ओके, सो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ओनली रिक्वायर दोज अपडेट दैट गारंटी प्रोपोगेशन टू ऑल रेप्लिकास. ओके, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी डेटा स्टोर वर्क फाइन एज लॉन्ग एज क्लाइंट ऑलवेज एक्सेस द सेम रेप्लिका. ओके, सो राइट कॉन्फ्लिक्ट आर ऑफन रिलेटिवली ईजी टू सॉल्व व्हेन अज्यूमिंग दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस कैन परफॉर्म अपडेट. इवेंचुअली कंसिस्टेंस देयरफॉर ऑफन चीप टू इम्प्लीमेंट. जो राइट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ वो कहाँ सॉल्व करने होते हैं, जब हम अज्यूम करते हैं कि स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस काम कर रही हैं अपडेट्स पे, राइट. और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी देयर ऑफन चीप टू इम्प्लीमेंट. ओके, सो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी अल्टीमेटली क्या हुआ, एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर रेप्लिकास जो हैं वो चेंज नहीं हो रही है वैल्यू, और एक रेप्लिका के ऊपर वैल्यू चेंज होगी और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो रही, तो एक टाइम के बाद द रेप्लिकास विल ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली चेंज देयर वैल्यू टू 10. ओके, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया तीन वैल्यू जो नोड्स हैं वो नेटवर्क में तीन प्रोसेसेस हैं, और वो हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क में एक ही डेटा की तीन कॉपीज हैं, राइट. सो एक का वैल्यू इज 10 एंड दो का वैल्यू इज 11. ओके, सो जो n1 है वो ग्रेजुअली चेंज करता रहेगा, बार बार चेक करता रहेगा नेटवर्क में कि
कि जो उसकी रेप्लिकाज हैं उसकी क्या वैल्यू है। तो एक टाइम के बाद ग्रेजुअली जब वो अपनी कॉपीज जो है वो चेंज नहीं करेंगी, तो एक टाइम के बाद दे विल ग्रेजुअली चेंज देयर वैल्यू टू 10। ओके, सो एग्जांपल आर कंसिस्टेंसी फॉर मोबाइल यूजर। Consider a distributed database to which you have access through your notebook. Okay, assume your notebook acts as a front end to the database. At location A, you access the database doing read and updates. आपने क्या किया? Location A पे आपने database को access किया, उसके जो reads और updates देखे, ठीक है? At location B, you continue your work, but unless you access the same server as वन एट द लोकेशन ए यू मे डिटेक्ट इनकन्सिस्टेंसी। बट आपने लोकेशन बी पे जब अपना आप यू कंटिन्यू योर वर्क, आपने अपना काम कंटिन्यू रखा, बट अनलेस यू एक्सेस द सेम सर्वर। बट जब तक आप सेम सर्वर पे यूज कर रहे हो, राइट, एज अ वन एट लोकेशन बी जो आपने लोकेशन ए पे यूज किया था, यू मे डिटेक्ट इनकन्सिस्टेंसी, राइट। सो योर अपडेट्स एट ए मे नॉट हैव येट बीन प्रोपोगेट टू बी। जो आपने ए पे अपडेट किया था वो हो सकता है कि आपने बी में अभी तक प्रोपोगेट ना हो। सो एट लोकेशन ए यू एक्सेस द डेटाबेस डूइंग रीड एंड राइट्स अपडेट। ओके, सो आपने लोकेशन ए पे डेटाबेस को रीड किया, उसके अपडेट्स वगैरह कुछ देखे, राइट। एट लोकेशन बी यू कंटिन्यू योर वर्क, आपने लोकेशन बी पे अपना काम कंटिन्यू किया, बट आप जो है वो सेम सर्वर के ऊपर ही काम कर रहे हैं जिस पे आपने लोकेशन ए पे काम किया था। सो आपने कुछ इनकंसिस्टेंसी जो है वो डिटेक्ट की है उसमें। सो योर अपडेट्स एट ए मे नॉट हैव येट बीन प्रोपोगेटेड टू बी। सो जो अपडेट्स आपने ए पे किए थे, हो सकता है कि वो बी तक प्रोपोगेट ही ना हुआ हो, राइट। यू मे बी रीडिंग न्यूअर एंट्रीज देन द वन अवेलेबल एट ए। आप क्या कर रहे हैं, कोई न्यू एंट्रीज जो है वो रीड कर रहे हैं देन द वंस अवेलेबल एट ए, जो ए पे नहीं थी, और योर अपडेट एट बी मे इवेंचुअली कन्फ्लिक्ट विद दोज एट ए। ओके, सो इसमें क्या नोट दिया है आपको, द ओनली थिंग यू रियली वॉन्ट इज दैट द एंट्रीज यू अपडेटेड एंड और टू रीड एट ए आर इन बी, बाय द वे बी द वे यू लेफ्ट देम इन ए, इन दैट केसेस द डेटाबेस विल अपीयर टू बी कंसिस्टेंट टू यू। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। ओके, सो इसमें क्या है, जो एक एक वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जो वो कनेक्टेड हैं, राइट। सो इस पे क्या हो रहा है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, एक और पोर्टेबल कंप्यूटर है, राइट। ऑपरेशन कहाँ पे करते हैं आप, इन प्रोसेसेस पे आप ऑपरेशन करोगे ना। सो इन यहाँ पे क्या होगा, ये जो है रेप्लिकास नीड टू मेंटेन क्लाइंट सेंट्रल कंसिस्टेंसी। अभी क्या है, क्लाइंट मूव टू अदर लोकेशन एंड कनेक्ट टू अदर रेप्लिका। यहाँ पे पहले जो था एक कंप्यूटर था, राइट, वो इस रेप्लिका पे काम कर रहा था। हमने क्या पढ़ा, प्रोसेस ए प्रोसेस लोकेशन ए लोकेशन बी, राइट। तो पहले जो कंप्यूटर था वो ये लोकेशन पे था और ये वाली रेप्लिका को यूज कर रहा था। अभी क्या हुआ, क्लाइंट मूव हो गया किसी और लोकेशन पे, राइट। तो अब कौन सी रेप्लिका को यूज कर रहा है, इस रेप्लिका को यूज कर रहा है। तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे उसने जो अपडेट्स किए थे वो यहाँ पे ना मिले, क्योंकि वो प्रोपोगेट ही ना हुए हों अभी तक, राइट। यही हमने पढ़ा ना पीछे, योर अपडेट्स एट ए मे नॉट हैव बीन प्रोपोगेटेड टू बी। ओके, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट इज यू मे बी रीडिंग न्यूअर एंट्रीज देन वन अवेलेबल एट ए। आप हो सकता है यहाँ पे कोई न्यू एंट्रीज पढ़ रही हो जो आपने ए में पढ़ी ना हो, राइट। आफ्टर दैट योर अपडेट्स एट बी मे इवेंचुअली कन्फ्लिक्ट विद दोज एट ए। जो आपके अपडेट्स आए हैं वो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हों, राइट, जो यहाँ पे थे और यहाँ पे अलग है, तो वो एक हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अल्टीमेटली दीज आर द रेप्लिकास, और रेप्लिकास में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब एक जगह पे अगर आपने चेंज किया तो वो जो चेंज है वो दूसरी जगह पे लाइक रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ मोबाइल यूजर एक्सेसिंग डिफरेंट रेप्लिका और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये जो है फिगर में यही आपको समझाने का ट्राई किया गया है, राइट। So, the mobile user access the database by connecting to one of the replicas in transparent way. In other words, the application running on the user portable computer is unaware in which replica it's actually operating. Okay? So, assume the user performs several operations and then disconnect again. So, assume कीजिए कि उसने बहुत सारे operation किए and he disconnected again. Okay? Later, he accesses the database again, possibly after moving to a different location or by using a different access device.
एट दैट पॉइंट द यूजर मे बी कनेक्टेड टू डिफरेंट रेप्लिका देन बिफोर. वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गया ना, वो पहले किसी और कनेक्ट के साथ किसी और रेप्लिका को एक्सेस कर रहा था, नाउ ही इज एक्सेसिंग द डिफरेंट रेप्लिका. So, however, if the update performed previously have not been propagated, the user will notice inconsistent behavior. तो जो अपडेट मैंने आपको यहाँ बताया, हो सकता है कि जब ये जो है या इस रेप्लिका के साथ अटैच था, जब यहाँ पे गया तो हो सकता है जो रेप्लिका में यहाँ चेंजेस थे वो यहाँ तक प्रोपोगेट ही ना हुए हो, राइट. सो द यूजर विल नोटिस इनकन्सिस्टेंस बिहेवियर. इन पर्टिकुलर ही वुड एक्सपेक्ट टू सेल ऑल द प्रीवियसली मेड चेंजेस बट इंस्टेड इट अपीयर्स एज इफ नथिंग और एट ऑल हैज हैपेंड. ओके, सो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्क इन बायू. ओके, सो बेसिकली जहाँ से ये ऑरिजिनेट हुआ है वो बायू है, और बायू जो डेटाबेस है इज अ डेटाबेस सिस्टम जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए बना था, वेयर इट इज अस्यूम दैट नेटवर्क कनेक्टिविटी इज अनरिलायबल एंड सब्जेक्ट टू वेरियस प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस प्रॉब्लम. सो बायू इज अ डेटाबेस सिस्टम डेवलप फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग. बायू जो था एक डेटाबेस सिस्टम है जिसको मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए डेवलप किया गया है. ओके, सो वेयर इट इज अज्यूम दैट नेटवर्क कनेक्टिविटी इज अनरिलायबल, जहाँ पे इसने अज्यूम किया है कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है वो अनरिलायबल होती है एंड सब्जेक्ट टू वेरियस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम. और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है वो आ जाती है नेटवर्क के अंदर. ओके, सो वायरलेस नेटवर्क एंड नेटवर्क्स दैट स्पैन लार्ज एरिया सच एज इंटरनेट फॉल इन टू दिस कैटेगरी. जो वायरलेस एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वायरलेस एरिया नेटवर्क्स होते हैं जो कि बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अनरिलायबल होते हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है उनमें, राइट. सो बायू डिस्टिंग्विश फोर डिफरेंट कंसिस्टेंसी मॉडल. फर्स्ट वन इज मोनोटोनिक रीड, सेकेंड वन इज मोनोटोनिक राइट, थर्ड वन इज रीड योर राइट एंड फोर्थ वन इज राइट फॉलो रीड्स. ओके, सो जो फर्स्ट वन है दैट इज मोनोटोनिक रीड. सो मोनोटोनिक रीड का मतलब क्या हुआ, रीड करना किसी भी चीज, इसमें क्या ऑपरेशन होने वाले हैं बेसिकली, रीड. ओके, सो मोनोटोनिक रीड्स क्या होता है बेसिकली, मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक मतलब एक ही वे में करना, कोई वैल्यू इंक्रीज भी नहीं हो रही है, डिक्रीज भी नहीं हो रही है, दैट इज मोनोटोनिक, राइट. सो मोनोटोनिक रीड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी आर गोइंग टू रीड. ओके, सो द फर्स्ट क्लाइंटेक सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल इज दैट ऑफ मोनोटोनिक रीड. ए डेटा स्टोर इज सेट टू बी प्रोवाइड मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स. एक डेटा स्टोर जो है वो मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी कभी प्रोवाइड करेगा जब वो ये जो कंडीशन है इनको होल्ड करेगा और फॉलो करेगा, ठीक है. सो इफ अ प्रोसेस रीड्स द वैल्यू ऑफ ए डेटा आइटम एक्स, एनी सक्सेसिव रीड ऑपरेशन ऑन एक्स बाई दैट द प्रोसेस विल ऑलवेज रिटेन द सेम वैल्यू और मोर रिसेंट वैल्यू. ओके, सो अगर एक आइटम ने वैल्यू को एक्स रीड किया एंड तो जो दूसरी वैल्यू है वो भी उसको एक्स ही रीड करेगी, राइट. सो एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी रीड हो जाएगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, आपका एक आप हो, ठीक है, आपने एक वैल्यू को पढ़ा 10, ठीक है, उसका वैल्यू आया 10. ओके, योर फ्रेंड केम एंड ही ऑल्सो रीड द वैल्यू 10. ओके, सो द 10 इक्वल्स टू 10, मतलब रीड जो है वो मैच हो गया. सो मोनोटोनिक रीड यहाँ पे अप्लाई होता है ना, आपने जो पढ़ा आपके फ्रेंड ने भी वही पढ़ा, दैट इज मोनोटोनिक रीड. ना वैल्यू उसका डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ, ना उसने कुछ राइट किया ना कुछ देखा, आपने जो वैल्यू रीड किया था सेम योर फ्रेंड रीड द वैल्यू. सो द बोथ द वैल्यूज आर मैच्ड, सो दिस इज मोनोटोनिक रीड. ओके, इन अदर वर्ड मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी गारंटीज दैट इफ अ प्रोसेस हैज बीन सेट सीन अ वैल्यू ऑफ एक्स एट अ टाइम टी इट विल नेवर सी एन ओल्डर वर्जन ऑफ एक्स एट अ लेटर टाइम. ओके, इन मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी क्या देता है, अगर एक प्रोसेस ने एक्स की वैल्यू को देखा ए, इफ अ प्रोसेस हैज सीन अ वैल्यू ऑफ एक्स एट अ टाइम टी, राइट, एक टाइम पे एक्स की वैल्यू एक ने कुछ देखी, इट विल नेवर सी ओल्डर वर्जन ऑफ एक्स एट लेटर टाइम, उसको वही वैल्यू दिखेगी, राइट. एन एग्जांपल वेयर मोनोटोनिक रीड्स आर यूजफुल कंसीडर्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड ईमेल डेटाबेस. इन सच डेटाबेस ईच यूजर मेल बॉक्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एप्लीकेटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स. ओके, मतलब मोनोटोनिक रीड का क्या मतलब हो, देखो अभी आपको एक मेल आया, ठीक है, आपने मेल अपने लैपटॉप पे ओपन किया तो भी वही मेल आया ना, एंड अगर आपने सेम मेल अपने मोबाइल पे ऑन किया ओपन किया तो भी वही मेल आया ना, तो मेल बॉक्स क्या होगा, सेम, तो वो क्या होगा, मोनोटोनिक रीड. मतलब आपने फ़ोन पे भी सेम मेल को रीड किया एंड आपने अपने लैपटॉप पे भी सेम मेल को रीड किया. ओके, सो मेल कैन बी इंसर्टेड इन मेल बॉक्स एट एनी लोकेशन, हाउ एवर अपडेट्स आर प्रोपोगेटेड इन लेजी
fashion only when a copy needs certain data for consistency are those data propagate to that copy. Suppose a user read his mail in San Francisco. Assume that only reading mail does not affect the mailbox. Okay, that is, messages are not removed, stored in subdirectories, or even tagged as a having already been read, and so on. When the user later files to New York and open his mailbox again, monotonic read consistency guarantee that the message that were in the mailbox in San Francisco will also be in the mailbox when it opened in New York. मैंने वही बोला ना आपको, अगर आप अपने ऑफिस में एक अपना मेल आईडी ओपन कर रहे हो और सेम मेल आईडी आपने अपने घर पे आके ओपन किया, ओके, तो लोकेशन तो चेंज हुआ, राइट, बट जो मेल है वो तो सेम रहा ना, मेल बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, जो मेल जैसे था वैसे ही रहा, जब तक आपने उसको डिलीट नहीं किया तब तक, बट अगर आपने मैसेज को रीड किया है एंड आपने दूसरी लोकेशन पे जाके भी उस मैसेज को रीड करना है, देन द मेल बॉक्स विल बी सेम. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. सो पहली डायग्राम जो है वो सिंगल प्रोसेस पी कर रही है टू डिफरेंट फेरेंट लोकल कॉपी ऑफ द सेम डेटा स्टोर, एंड द सेकेंड वन इज मोनोटोनिक रीड. ठीक है, मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंट डेटा स्टोर, सॉरी, ये जो रीड ऑपरेशन इस पे दिखा रही है, ए में क्या हो रहा है, मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंट डेटा स्टोर पे हो रहा है, और द डेटा स्टोर दैट डज नॉट प्रोवाइड मोनोटोनिक रीड, इसमें क्या है मोनोटोनिक है, इसमें क्या है मोनोटोनिक नहीं है. मोनोटोनिक यहाँ कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो कुछ यहाँ पे पहले सेट की हुई है, राइट, आर वन आया उसने सेम वैल्यू को एक्सेस किया, आर टू भी आया उसने भी सेम वैल्यू एक्सेस की, तो क्या हुआ, जब R दोनों की वैल्यू मैच हो गई तो वो क्या हो गया, मोनोटोनिक रीड, मतलब एक ने भी वही वैल्यू रीड की, सेकंड R जो X2 है उसका वैल्यू भी उसने सेम ही रीड किया. ठीक है, आफ्टर दैट इन फिगर 7.1 प्रोसेस P फर्स्ट परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन ऑन X एट L1 रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ X1 एट द सेम टाइम, दिस वैल्यू रिजल्ट फ्रॉम अ राइट ऑपरेशन इन WS X2 परफॉर्म एट L1, लेटर P परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन एन X एंड L2 शोन एज अ R X2 टू गारंटी मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी, ऑल ऑपरेशन इन WX X1 शुड हैव बीन प्रोपोगेटेड टू L2 बिफोर द सेकंड रीड ऑपरेशन टेक प्लेस. ओके, इन अदर वर्ड वी नीड टू नो फॉर श्योर दैट WS X1 इज अ पार्ट ऑफ WS X2 व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज WS. ओके, इन कंट्रास्ट figure b show a situation which monotonic read consistency is not guaranteed. After process p1 has read x1 at l1, it later performs the operation x2 or x2 at l2, however only the write operation in west to have been performed at l2. No guarantees are given that this set also contain all the operation contained on ws x1. Okay, so next point is monotonic write. So monotonic write kya hua, so monotonic write jahan pe read की बात आ रही है, सो वी आर गोइंग टू रीड, और जहाँ पे राइट की बात आ रही है वहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट. इन मैनी सिचुएशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट राइट ऑपरेशन आर प्रोपोगेट इन करेक्ट ऑर्डर टू ऑल कॉपीज ऑफ द डेटा स्टोर. जब भी हमने कोई रीड डेटा अपने डेटा पे किया है, राइट ऑपरेशन कोई डेटा पे किया है, देन द ऑल द कॉपी ऑफ द डेटा शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर, राइट. दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस्ड इन मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी. इन मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी स्टोर द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड. A write operation by a process on data X is completed before any successive write operation on X by the same process. Okay, thus completing a write operation means that the data on which a successive operation is performed reflect the effect of previous write operation by the same process, no matter where that operation is initiated. Okay, इसमें आप कौन सा example ले सकते हैं? So we can take a example like हमने जो कोई वैल्यू है उसकी वैल्यू को पहले एक्स सेट किया, राइट, अपडेट किया. ओके, इनिशियली कोई भी वैल्यू जो है वो जीरो सेट होती है, राइट, हमने उस वैल्यू को क्या किया, अपडेट किया 10 पे. नाउ वी अगेन वांट टू अपडेट इट टू 20, बट ड्यू टू सम डिले जो अपडेशन है वो हो नहीं पाया, राइट. सो जो एक्स 10 है वो वेट होकर रहा है ना कि वो उस पर राइट ऑपरेशन होगा, ही इज इन वेटिंग स्टेट, और सेम टाइम पे जो हमने 20 उस पर अप्लाई करने चाह था वो भी वेटिंग स्टेट पे चला गया, राइट. तो हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे. मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी इज शोन इन फिगर 7.3a. यहाँ पे मोनोटोनिक राइट दिया गया है, ठीक है. मोनोटोनिक राइट का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे जब L1 ने उस पर कोई अपडेट किया तो L2 भी जो है वो अपना अपडेट करेगा. मैंने क्या बोला आपको कि लाइक अगर मुझे यहाँ पे 10 वैल्यू अपडेट करना है, जीरो जो है पहले से इनिशियलाइज होता है, नाउ आई वांट टू अपडेट द X2, तो क्या होगा, मोनोटोनिकली जैसे ही मैंने राइट किया वैसे ही मेरा फ्रेंड भी उसको राइट कर रहा है. सो द वैल्यू ऑफ WX1
फर्स्टली इट वॉज 10, आफ्टर दैट द वैल्यू इज 20. सो पहले राइट ऑपरेशन हुआ यहाँ पे L1 पे, और यहाँ पे L2 ने भी जो है वो राइट ऑपरेशन किया X2 पे. ठीक है. सो मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी इज शोन फिगर 7.2. इन फिगर 7.8 प्रोसेस पी परफॉर्म आर राइट ऑपरेशन ऑन X एट लोकल कॉपी L1. उसने क्या किया, पी ने परफॉर्म किया लोकल कॉपी के ऊपर X1 के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट, प्रेजेंटेड एज द ऑपरेशन X1. ओके. लेटर पी परफॉर्म अनदर राइट ऑपरेशन ऑन एक्ट, बट दिस टाइम इज एट L2. उसने क्या किया, लेटर फिर से अपडेट किया बट लोकल कॉपी 2 पे अपडेट किया है ना उसने, टू इंश्योर मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी. तो क्या हुआ, जब लोकल कॉपी 1 पे उसने राइट किया तो लोकल कॉपी 2 पे भी उसने राइट किया, तो इससे क्या हुआ, कंसिस्टेंसी मेंटेन हुआ, राइट. टू इंश्योर मोनोटाइक मोनोटोटिक राइट कंसिस्टेंसी, इट नेसेसरी दैट प्रीवियस राइट ऑपरेशन एट L1 हैज ऑलरेडी बीन प्रोपोगेट टू L2. सो जो L1 पे उसने अपडेट किया था तो वो जो लोकल कॉपी के पास है वो पहले प्रोपोगेट होना चाहिए, उसके बाद ही वो अपडेट होना चाहिए. मोनोटोनिक राइट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, अगर L1 ने X के वैल्यू को 20 किया, राइट, 10 सेट किया, तो पहले जो है वो L2 के पास जाना चाहिए वैल्यू 10, उसके बाद वो अपडेट करेगा वैल्यू को 20 को. अगर हो सकता है ना कि अगर उसके पास मैसेज प्रोपोगेट ही ना हुआ, वो वेटिंग स्टेट में चला गया, X2 ने उसका कुछ भी वैल्यू सेट कर दिया, तो वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी ना. सो विल फर्स्टली चेंज द वैल्यू और अपडेट और राइट द वैल्यू ऑफ X1 इन लोकल लोकल मशीन 1, आफ्टर देन वी कैन चेंज द ऑन लोकेशन 2. ओके. सो रीड योर राइट्स. सो रीड योर राइट्स मीन्स read your write means firstly you read after that you write. So a client centering consistency model that is closely related to monotonic read is as follow. A data store is said to provide read your write consistency. Read your write matlab jo aapne read kiya hai uske baad aapko usko write karna hai. If the following condition holds, the effect of a write operation by a process on data item x will be always seen by a successive read operation on x by the same process. So basically kya hai, jo aapne रीड क्या है उसके बाद उसको आपने राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू एक्सेस योर मेल. ओके. सो यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, यू अपडेट योर पासवर्ड. आफ्टर दैट जब आपको फिर से उसको लॉगिन करना है तो क्या होगा, पहले जो प्रोसेस है वो रीड होगी, आफ्टर दैट जो आपका पासवर्ड होगा वो राइट होगा, राइट. सो रीड योर राइट मतलब पहले जो आपने रीड किया है, आफ्टर दैट इट विल बी इन रीड स्टेट. आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, WX1 इज इन फर्स्टली इट्स इन रीड, राइट, राइट. आफ्टर दैट, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, जो रीड्स और राइट है पहले जो आपने लिखा है उसको वो राइट करेगा. लाइक अगर आपका पासवर्ड आपने जो भी है वो चेंज किया है उसके बाद वो उसको रीड करेगा, राइट. सो WX1 यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके X1 पे राइट ऑपरेशन हो रहा है लोकल कॉपी के ऊपर, लोकल कॉपी 1 के ऊपर, एंड आफ्टर दैट लोकल 2 जो है उसको रीड कर रहा है. ठीक है. The effect of the write operation can be seen by succeeding read operation. This is expressed by WX X1 X2, which state that WX1 is part of WX2. In contrast, figure 7.14b, WX1 has been left out of WS2, meaning that the effect of the previous write operation by process P have not been propagated to L2. Okay. So the last point is write follow read. So it's write follow reads. So this is the last centric consistency model in one in which updates are propagated as the result of previous read operation. A data store to set to be provide write follow read consistency if the following holds. A write operation by a process on data item X following a previous read operation on X by the same process is guaranteed to take place on the same or more recent value of X that was read. So वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, मतलब अगर आपका एक फ्रेंड है, ही इज राइटिंग अ ब्लॉग, ओके, एंड ही आस्किंग हिज फ्रेंड टू राइट अ रिव्यू ऑन हिज ब्लॉग. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप उसके फ्रेंड्स हैं, देन यू सिंपली सी द ब्लॉग एंड यू राइट द रिव्यूज. बट इफ यू आर अननोन पर्सन, आप क्या करेंगे, पहले यू आर गोइंग टू रीड द ब्लॉग, आफ्टर दैट यू विल राइट द रिव्यू. सो सेम हो गया राइट्स फॉलो रीड्स, मतलब पहले रीड होगा कोई भी चीज़, आप पहले पढ़ेंगे, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट.
ठीक है, तो सेम यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोकल कॉपी में पहले क्या है, रीड हुआ है, आफ्टर दैट द राइट प्रोसेस टेक ऑपरेशन टेक प्लेस. ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, कोई भी ब्लॉग है आपका जो फ्रेंड है वो डायरेक्टली आपको बिना पढ़े ही उस पर राइट कर देगा, राइट. बट इन दिस राइट फॉलो रीड्स, इसमें क्या होगा, योर दैट नो अननोन पर्सन इज गोइंग टू रीड योर ब्लॉग, आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू राइट हिज रिव्यू. सो राइट फॉलो रीड्स, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ ब्लॉग जिसपे आप रिव्यूज मांगते हैं. ब्लॉग ही नहीं, कुछ भी हो सकता है जिसपे आप अपने फ्रेंड्स के रिव्यू मांगते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, आपके फ्रेंड जो है वो आपका वो पढ़ के बिना पढ़े भी आपको रिव्यू दे देंगे, बट जो अननोन पर्सन होगा ही विल फर्स्टली रीड द ब्लॉग, आफ्टर दैट ही विल राइट द रिव्यू. ओके, सो द कंसिस्टेंसी मॉडल इज शोन इन फिगर 7.15. इन फिगर 7.15 ए प्रोसेस रीड्स एक्स एट अ लोकल कॉपी एल वन, द राइट ऑपरेशन दैट लेट द वैल्यू जस्ट रीड ऑल्सो अपीयर इन द राइट सेट ऑफ एल टू, वेयर द सेम प्रोसेस लेटर परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन. नोट दैट प्रोसेस इज एट एल टू सी द दोज राइट ऑपरेशन एज वेल. इन कंट्रास्ट, नो गारंटी आर गिवन दैट ऑपरेशन परफॉर्म एट एल टू एज शोन इन फिगर 7 आर परफॉर्म ऑन कॉपी दैट कंसिस्टेंट विद वन जस्ट हैड रीड अ एल वन. सो जरूरी नहीं है ना कि आपका जो फ्रेंड है, यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल यूज करके इसको समझेंगे डायग्राम तो आप ज्यादा इजिली समझ पाएंगे. सो जरूरी नहीं है कि आपका जो फ्रेंड है ही इज गोइंग टू रीड योर ब्लॉग, आफ्टर दैट ही विल राइट हिज रिव्यू, राइट. ही डायरेक्टली राइट द रिव्यू ना, उसको पता है कि आपका फ्रेंड है तो वो रिव्यू लिख सकता है बिना पढ़े. बट वट अबाउट द अननोन पर्सन, ही विल फर्स्टली रीड द ब्लॉग, आफ्टर दैट ही विल राइट द रिव्यू, राइट. सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो. सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी. इन क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी वी फर्स्टली डिस्कस्ड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. वॉट इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी? इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इन सिस्टम दैट टॉलरेट हाई डिग्री ऑफ अनकंसिस्टेंसी, नो अपडेट टेक प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, ऑल रेप्लिका विल ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली बिकम कंसिस्टेंट. तो इसमें क्या था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि तीन नोट्स हैं, तीन आप बोल सकते हैं रेप्लिकाज हैं. फर्स्ट का वैल्यू इज 10, सेकेंड का वैल्यू इज 11 एंड थर्ड का वैल्यू इज 11. सॉरी, फर्स्ट तीनों का वैल्यू है 11, राइट. सो जो फर्स्ट रेप्लिका है उसने अपने वैल्यू को अपडेट कर दिया 10, बट जो एन टू और एन थ्री है उन्होंने अपनी वैल्यू को अभी भी 11 ही रखा हुआ है. तो एक लॉन्गर पीरियड के टाइम के बाद अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, तो इवेंचुअली जो एन वन की वैल्यू है वो एन टू और एन थ्री जो है वो अडेप्ट कर लेगा, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा डायग्राम पढ़ा हुई पूरा इसका, एंड आफ्टर दैट वी कवर्ड बायू मॉडल्स. बायू मॉडल्स कौन कौन सी है, मोनोटॉनिक रीड, मोनोटॉनिक राइट, रीड योर राइट एंड राइट योर फॉलो रीड. सो मोनोटॉनिक रीड में क्या है, रीड ही हो रही मोनोटॉनिकली, ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा है. सो अपडेशन नहीं हो रहा है, वो जो फर्स्ट आप बोल सकते हो एक्स वैल्यू है, प्रोसेस ए भी उसी को रीड कर रही है एंड प्रोसेस टू भी उसी को रीड कर रही है, राइट. आफ्टर दैट इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, मेल बॉक्स, क्योंकि हर चीज़ सेम चीज़ जो भी एक जगह पे हम लोग, चाहे वो लोकेशन भी चेंज हो जाए, मेल बॉक्स विल बी सेम, ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था मोनोटॉनिक राइट. मोनोटॉनिक राइट में क्या था, अपडेट हो रही है वैल्यू. हमने एक्स की वैल्यू को 10 किया तो अगेन हम लोगों को जो वैल्यू है वो 20 सेट करनी है, तो हम अपडेशन यूज करेंगे. तो इसमें क्या हो रहा है, पहले जो वैल्यू है दैट विल बी 10, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द मोनोटॉनिक राइट, है ना. तो पहला वैल्यू चेंज हुआ तो सेकेंड वैल्यू विल बी चेंज ना. आफ्टर दैट रीड योर राइट्स. रीड योर राइट्स मतलब जो आपने राइट किया है उसको रीड करना, ठीक है. आप पहले ये टर्म समझेंगे तो आपको ज्यादा इजिली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है. आफ्टर दैन द लास्ट पॉइंट इज राइट फॉलो रीड. राइट फॉलो रीड में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, राइट फॉलो रीड में हमने एग्जाम्पल लिया था ब्लॉग का. ब्लॉग में क्या होगा, आप अपने फ्रेंड से ब्लॉग के लिए रिव्यू मांग रहे हैं, राइट. तो आपका जो फ्रेंड है वो हो सकता है बिना पढ़े ही आपको रिव्यूज दे दे, राइट. उसको नहीं पता कि ब्लॉग में क्या लिखा हुआ है. बट वॉट अबाउट द अननोन पर्सन, ही विल फर्स्टली रीड योर ब्लॉग, आफ्टर दैट ही विल राइट द रिव्यूज. सो दीज आर द वेरी यूजफुल यू कैन से मॉडल्स ऑफ बायू. एंड बायू इज अ डेटा बेस सिस्टम विच इज बेसिकली डेवलप फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियोज और यू कैन से बायजूस मॉडल, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल रिवर्ट बैक देयर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टूडे.
ये सारे जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज अच्छे से करिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो मोनोटॉनिक है ये आप, जरूरी नहीं है कि आपको यही वाले रीड राइट के ऑपरेशन ही फॉलो करने हैं, आप सिंपल एग्जाम्पल के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल वर्टिकली, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टली ट्राई करते हो तो आपको इतना समझता नहीं, अगर आप वर्टिकली उसको ट्राई करोगे ना तो बहुत ईजिली आपको समझेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टिल देन बाय।